ईरान में ईरान के ही समर्थक गुट के शीर्ष नेता की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। इस्माइल हानिया की हत्या की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। गाजा युद्ध के चलते ईरान के इसराइल से बड़े ही तल्ख रिश्ते चल रहे हैं। ऐसे में ईरान ने अपनी सरजमी पर हुए हमले के पीछे इसराइल का हाथ माना है। इससे इसराइल और ईरान की तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। इसी साल अप्रैल महीने में भी दोनों देश एक दूसरे से टकरा चुके हैं। अब 4 महीने के भीतर एक बार फिर से ईरान और इसराइल आमने सामने हैं। ईरान का भड़कना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान की राजधानी में घुसकर एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें उसका खास और हमास का चीफ मारा गया। ऐसे में ईरान बदले की आग में जल रहा है। बिना किसी देरी के ईरान ने इसराइल को नतीजा भुगतने की धमकी भी दे डाली। ऐसे में पूरी आशंका जताई जा रही है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि वो हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का ऐसा बदला लेगा जिसे इसराइल की आने वाली पुश्तें तक याद रखेंगी। ऐसे में इसराइल के नागरिकों में इन दिनों ईरान के हमले का डर पसरा हुआ है। लोग दिन रात उस समय के बारे में सोच रहे हैं जिसका सामना उनको भविष्य में करना पड़ सकता है। ईरान और इसराइल के नाजुक हालातों के बीच एक बार फिर ईरान की ओर से इसराइल को बड़ी धमकी मिली है। इसराइल पर भीषण हमले की आशंकाओं के बीच ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने इसराइल के विनाश का वादा किया है। इसराइल अपना विनाश नहीं रोक सकता और इसराइल का अंत दूर नहीं है। इसराइल अपने होने वाले विनाश को रोकने की कोशिशों में युद्ध का सहारा ले रहा है। ऐसी चीजें करके इसराइल खुद को उस दलदल से बचाना चाहते हैं जिसमें वो फंस गए हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से खुद को विनाश से नहीं बचा सकते हैं। हानिया की हत्या पर एक मजबूत और दृढ़ प्रतिक्रिया आने वाली है। इसराइल खुद को विनाश से नहीं बचा सकता, इसलिए उसका कोई भविष्य नहीं है। ईरानी सेना प्रमुख ने हमास के नए रणनीतिक प्रमुख के रूप में याह्या सिनवार की नियुक्ति को सराहा है। मुसावी ने कहा कि हानिया के बदले में उनकी नियुक्ति का मतलब है कि इसराइल को अपने भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं होगी और वो ढह जाएगा। वहीं ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी ने कहा, बच्चों की हत्या करने वाला इजरायली शासन अपने अंत के करीब है। इतिहास बताता है कि जो भी कोई उत्पीड़न के साथ शासन करेगा वह सत्ता में नहीं रहेगा, जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इजरायल पर संभावित ईरानी हमले में मिडिल ईस्ट में चौतरफा युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान और इजरायल युद्ध के कगार पर हैं। ईरान ने साफ किया कि अब उसे कोई परवाह नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अरब देशों से कहा है कि अब उसके हमले से पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ जाए तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। ईरान मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों वाले देशों में शामिल है।